हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन उसी जगह पे मेंटेन है। इवनिंग आवर्स के भी मूव के बाद भी जो हमें मोमेंटम देखने को मिला वो कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो बात करेंगे चार्ट क्या कहता है, आने वाले आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है एंड इसका इंपैक्ट जो ओवरऑल मार्केट में क्या रह सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपसे अटैक कर सकता है। दोस्तों, याद रखना क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड गाइस, अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ वो जरूर जाके चेक करो, देखो, उसे समझो, और अगर वो समझ में आता है तभी मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आप एक्ट करो। तो डेफिनेटली जो है उसमें आप अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए जाते हो, इससे आपकी जो है लॉस की कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो उसमें कहीं ना कहीं लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ज्यादा डिटेल के लिए आप जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, विदाउट डिले के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले बात करेंगे हर उसी तरह बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट जो है कल के दिन हमें जो क्लोजर देखने को मिला वो डोजी कैंडल देखने को मिला, यानी कि इनडिसिसिवनेस दिखा मार्केट में। एंड डेफिनेटली जो हाईएस्ट रीच किया था वो हमारे रेजिस्टेंस जोन, जो मैंने आपको कल के दिन भी बताया था, $39,153 के आसपास गया। मैंने आपको 39,200 के आसपास के लेवल के बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड डेफिनेटली क्लोजर जो हमें मिला वो थोड़ा सा मामूली बढ़त के साथ हमें देखने को मिला, $38,521। यहाँ पे अभी भी हम रेड कैंडल आज के दिन बना रहे हैं। डेफिनेटली जो है कल कुछ खास कंपैरेटिवली वॉल्यूम नहीं देखने को मिला, इवन दो मंडे था तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन क्लोजर हम रीट्राई कर रहे हैं बार बार 38,900 के ऊपर लेने की। वो अगर हमें मिलता तो जरूर हमें फिर 21EMA के ऊपर भी सफलता मिलेगी, बट फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डेफिनेटली आने वाले आवर्स में, क्विक आवर्स में क्या हो सकता है उसकी बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल वनडे के चार्ट पे अभी भी ज्यादा मोमेंटम नहीं है। एंड यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर भी शिफ्टिंग जो है कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन साइडवेज एक्शन में दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम जब रिवर्सल देखते हैं उससे पहले के जो मूव्स होते हैं कुछ वैसा है। क्या रिवर्सल हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन जब तक रेड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें मेजर मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी भी हमें उस चीज के लिए इंतजार करना होगा। ओवरऑल यहाँ पे जरूर जो है वॉलीटिलिटी इंडिकेटर हमें जरूर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटाइल जरूर बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन उसका बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं मार्केट के प्राइस में जो है नीचे की तरफ हमें दिख रहा है बढ़ोतरी। और ग्रीन लाइन जो है काफी ज्यादा हद तक नीचे आ गया, और जब जब इस जगह पे आता है तो आपको दिखता है यहाँ पे बॉन्स। तो डेफिनेटली बॉन्स पिछले कुछ डेज में दिखा है हमें हायर लो बनता हुआ, तो क्या ये एक फर्दर स्पाइक हमें देखने को मिलेगा नहीं देखने को मिलेगा वो आने वाले डेज में कन्फर्म होगा, लेकिन फिलहाल अभी चार्ट पे हमें रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। एंड वनडे के चार्ट की बात करूं तो ओवरऑल जिस स्लोप की मैं बात कर रहा था वो स्लोप ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन अभी भी हमारा जो RSI है वो स्ट्रगल कर रहा 40 के आसपास। हमें 50 के अब जल्दी से जाना होगा टू मेक दिस लाइन सिंपली, जो मैं तब से कह रहा हूं जब यहां से डिक्लिनेशन शुरू हुआ था कि कुछ ऐसा देखने को हमें मिल सकता है। तो अभी एवरेज लाइन हमारा इस जगह पे है, लेकिन इस लाइन को स्लोप अपसाइड होने के लिए हमें RSI जो है जरूर 50 के अबव मिलना चाहिए आने वाले नेक्स्ट इस इनफैक्ट मैं कहूंगा इसी वीक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये और स्लिप होता हुआ दिखेगा, और ऐसे सिनेरियो में जरूर वर्स्ट केस सिनेरियो आपका प्ले आउट हो सकता है। एंड डेफिनेटली अभी इक्वली चांसेस है, स्पेशली वॉल्यूम के साथ हमें कुछ ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला 1 आवर के चार्ट पे। कल के दिन अगर मैं देखूं तो वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिला मार्केट में, कई दफा हुआ मार्केट काफी ज्यादा नीचे आया फिर काफी ज्यादा ऊपर, एंड 200 EMA लाइन ने एक बार फिर से हमें रिजेक्शन दिया 1 आवर के चार्ट पे। एंड बैक टू बैक मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद हम फिर से फेल हो गए। फिलहाल हमें 21 EMA, 51 EMA, 100 EMA सारे लाइनें जो एक जगह क्लस्टर हो गया, और ये सारे लाइनें हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दे रही है। एंड यहाँ पे अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूँ तो वो भी शिफ्टिंग जो है नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आने वाले जो क्विक आवर्स है उसमें प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा सकता है स्पेशली। लेकिन अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI जरूर 40 का लेवल टेस्ट किया है एंड धीरे धीरे 50 के आसपास से स्ट्रगल कर रहा है। अगर वी आर एबल टू मेक दिस लेवल पॉसिबल कि 50 के अबव हम मेंटेन कर लेते हैं तो देन डेफिनेटली वापस से 60 का लेवल रीटेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला था। और ऐसी सूरत में जरूर प्राइस एक्शन फिर से हमें रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है एटलीस्ट $38,875। लेकिन अभी जरूर जो स्ट्रेंथ मार्केट का थोड़ा सा लूज है एंड हम बाउंड्री लेवल के ठीक नीचे बने हुए हैं, तो ये हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम बहुत रेयरली ही दिख रहा है चार्ट में, ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला। एक वॉलेटाइल जो मूव कल के दिन देखने को मिला था वहां पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम जरूर देखने को मिला। 4 आवर के चार्ट पे और ज्यादा चीजें जो है
पिक्चर क्लियर होंगी, आपको एक चीज जरूर दिखेगा कि 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे मैग्डी जो है बुलिश जोन में बना हुआ है, दैट इज वन गुड थिंग। एंड ये चीज कब से बना हुआ है, जब से हमने 37,800 का लेवल ब्रेक किया था। एंड डेफिनेटली जो सेकंड इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अभी आपके पास नहीं होगा, बट डेफिनेटली जरूर जो है कम्युनिटी में मैं ट्राई करूंगा शेयर करने के लिए जल्द से जल्द। बट यहाँ पे ये स्ट्रेंथ जरूर शो कर रहा है कि ये ग्रीन लाइन हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव बन रहा है। ऑल दो प्राइस एक्शन पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखे हैं, बट ये पिछले 24 आवर में ऐसा शिफ्ट होता दिख रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल $38,960 के अबव हमें क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो 4 आवर के चार्ट पे मल्टीपल टाइम्स हम उस जगह पे गए हैं पिछले 24 आवर में, लेकिन क्लोजर नहीं ले पाए। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। एंड अगर क्लोजर नहीं मिल पाता है एंड जिस हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज समथिंग जो क्रिशन हो सकता है। और ऐसी सूरत में आपको डेफिनेटली जो है प्राइस एक्शन में डंप देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 36,000। लेकिन एक पॉजिटिव साइड जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है 4 आवर के चार्ट पे, हाई एंड लो मेंटेन कर रहा है एंड ब्लू लाइन ऊपर है, दैट इज गुड थिंग। लेकिन RSI की बात करूँ तो RSI अभी भी स्ट्रगल कर रहा है 50 के बिलो। एंड कहीं ना कहीं हम इस जोन पे साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं। एंड डेफिनेटली कल मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की थी एंड वो लाइनों को अगर देखोगे तो वो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला अभी तक चार्ट पे। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि 50 के अब कब तक मेंटेन कर पाता है। अगर 50 के ऊपर मेंटेन कर पाता है एंड जिस हिसाब से मोमेंटम ले सकता है ये ऊपर की तरफ, जिसके चांसेस ब्राइट है क्योंकि हम अपर जोन टेस्ट करने के बाद लोअर जोन टेस्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बट फिर भी स्टिल यहाँ पे अभी भी क्लियर कट पिक्चर नहीं है जब तक एवरेज लाइन जो है 50 के आसपास ना जाता हुआ देखिए। और उसके लिए RSI को जरूर ओवर 50 के ऊपर जो है ट्रेड करना होगा। एंड ऐसी सूरत में प्राइस एक्शन को कम से कम 38,900 के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करना होगा। तो फिलहाल अभी भी डेंजर जोन में बिटकॉइन बना हुआ है, और जो 36,000 की बात कर रहा हूँ वो अभी भी पॉसिबल है। वॉलीटिलिटी आपको मार्केट में कल के दिन दिखा थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ लेट इवनिंग आवर में, एंड डेफिनेटली जो है अभी तक वो बाउंड्री लेवल के नीचे ही है। 4 आवर के चार्ट पे भी 21 EMA के नीचे ही हम, तो इसके ऊपर जब तक क्लोजर नहीं मिलता तो सबसे पहला जो कहते हैं ना लेवल ऑफ पॉजिटिविटी वो नहीं दिखेगा अभी प्राइस एक्शन पे। एंड वो स्ट्रगल जो है पिछले 24 आवर में बैक टू बैक रहा है, तो जब तक हम 38,540 के ऊपर नहीं क्लोज करते 4 आवर के चार्ट पे, इट्स रियली हार्ड टू सी की बिटकॉइन जो है 38,800 के लेवल को ब्रेक कर पाए। और ये सारा जो है क्लस्टर का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है। एंड मैंने आपको बताया हुआ है कुछ इवेंट्स प्लान है 4 मई को, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 मई या फिर उसके बाद हमें वॉल्यूम देखने को मिले मार्केट में, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बाकी के चार्ट क्या कहते हैं उसकी बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि अभी मार्केट में S&P ने क्या किया कल के दिन, जरूर डिक्लाइन हुआ एज एक्सपेक्टेड, लेकिन ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजर मिला, तो यहाँ पे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जरूर अभी काफी अर्ली है, बट मेरे हिसाब से हम अभी कुछ दिन इस जगह पे साइडवेज एक्शन देख सकते हैं, एंड बेस्ट केस में हम टुवर्ड्स 4200 लेवल तो डेफिनेटली, बट 4300 लेवल के आसपास के भी लेवल को टेस्ट कर सकते हैं इस वीक। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमें साइडवेज एक्शन कंटिन्यू होता दिखेगा। वहीं अगर आज का कैंडल रेड होता है तो डेफिनेटली जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो बिल्कुल नजदीक है, जो कि 3900 या कहो तो 4000 लेवल पे बना हुआ है, तो वो जरूर टेस्ट हो सकता है, बहुत ही नजदीक है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे जरूर कुछ टाइम स्पेंड करेगा बिफोर वी विल टेस्ट दिस लेवल। एंड सेम चीज जो है आपको गोल्ड के प्राइस पे भी दिखा, गोल्ड पे मैंने आपको फ्राइडे के दिन कहा था कि यार ये जिस हिसाब से क्लोजर ले रहा है उस हिसाब से वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी दीज लेवल। एंड डेफिनेटली अब जो है बहुत आसान लग रहा होगा, एंड रीटेस्ट के बाद हम बहुत बड़ा डिक्लिनेशन कल के दिन दिखाए, एंड अल्टीमेटली अभी ग्रीन कैंडल जरूर बना रहे हैं, लेकिन चांसेस आर ब्राइट कि हम 1800 लेवल जो है जल्द ही अगले 2 हफ्तों के अंदर रीटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर डिले होता तो भी हम उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, लेकिन उस केस में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल दो चांसेस आर ब्राइट कि हम इस लेवल को डायरेक्ट टेस्ट करने वाले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। एंड DXY की बात करूँ, DXY एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर बना रहा है, कभी वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है और कहीं कई बार हम वहाँ से बाउंस कर रखे हैं। एंड अभी इस वक्त हम जरूर जो है वापस से इस लेवल को 103 के लेवल को वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं, तो अभी जब तक हम इस लेवल से वीक नहीं होते तब तक बहुत अर्ली होगा। बट यस, दिस इज द क्लियर साइन कि हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। वीकली चार्ट पे मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बताया हुआ है, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता है तो हमारा 1-2 महीना खराब हो सकता है इस अभी शॉर्ट टर्म में। अगर मैं बात करूँ तो जरूर जो है यहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस होगा अगर हम इस जगह से क्लियर कट पास होते हैं। डेफिनेटली अभी तक वीकली चार्ट पे क्लोजर की बात करूँ तो पिछले वीक का क्लोजर हमें इस लाइन के नीचे मिला था, तो दैट इज गुड थिंग। एंड इस वीक अभी हम जरूर ऊपर है, लेकिन अगर ये क्लोजर नीचे मिलता है देन देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चांस कि
हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखें या फिर हम डिक्लिनेशन देखें आने वाले वीक्स में। वीक्स की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली। अब मैं बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की, डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पिछले दो तीन दिनों में मोमेंटम जो है शिफ्ट बिटकॉइन में जरूर हुआ है, क्योंकि हम 38,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से ऑल्टकॉइन सफर कर रहे हैं। लेकिन डोमिनेंस चार्ट पे जो फ्लक्चुएशन है वो अभी कहीं ना कहीं मेंटेन जो है अपर जोन में ही मेंटेन है, एंड ये लेवल रीटेस्ट करने के लिए जो नीचे का लेवल था 42.20 उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी बात मैंने यहाँ पे भी कही थी, इस तरफ हम जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली इस लेवल के आसपास देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फिर से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है या फिर रेड कैंडल। ओवरऑल अगर मैं RSI की बात करूँ तो जरूर डिक्लाइन होता दिख रहा है, लेकिन हम अबव जोन 50 के अबव बने हुए हैं, तो जरूर जो है अभी साइडवेज एक्शन में भी आपको थोड़ा बहुत एक्शन जो है अपसाइड ही दिखेगा। तो ये एक क्रूशियल लेवल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एंड USDT के डोमिनेंस चार्ट पे भी साइडवेज एक्शन मेंटेन है, लेकिन ये सपोर्ट जो है अभी भी मेंटेन कर रहा है। पिछले कई महीनों से हम इस जगह से डिक्लिनेशन देखे हैं, तो क्या इस बार भी डिक्लाइन होगा या नहीं होगा, या पास्ट में जब ऐसा कुछ हमें जून 2021 के आसपास देखने को मिला था तो क्या वैसा कुछ यहाँ पे होगा या नहीं होगा, तो आने वाले वक्त में कन्फर्म होगा। बट येस, दिस इज द लेवल जहाँ पे हिस्टोरिकली हम हर बार रिजेक्ट करते हैं, ऑल दो हम इस जगह पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम RSI वाइज भी देखें अभी भी पोटेंशियल है कि हम अभी भी मेंटेन कर सकते हैं, तो दैट इज वन थिंग। बट ओवरऑल यहाँ से डिक्लिनेशन जरूर मिलेगा, बट यहाँ पे टाइम इज समथिंग जो हमें कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ जो है अनसर्टेनिटी दे रहा है। ऑल दो RSI पे वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम रेजिस्टेंस जोन पे, एंड अगर हम यहाँ पे डिक्लाइन होता है तो डेफिनेटली हम वापस से वही चीज़ करेंगे। एंड यहाँ पे अभी लोअर लो एंड लोअर हाई RSI में मेंटेन हुआ है पिछले कई वीक से, एंड अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो यहाँ से जब हम डिक्लिनेशन लेंगे तो टुवर्ड्स 40 की तरफ हम बढ़ सकते हैं, एंड फिर उसके बाद फर्दर कहीं ना कहीं एक बार ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट अभी काफ़ी अर्ली है, बट यहाँ पे डिक्लिनेशन अगर आता है तो जरूर आपको ऑल्टकॉइन में इमीडिएटली इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो बट फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल रहा जरूर है, लेकिन इथेरियम का BTC चार्ट ने एक बहुत अच्छा ब्राइट संकेत दिया, हमें बॉन्स देखने को मिला एंड काफी बुलिश वे में कैंडल ने बॉन्स दिया है 21 EMA का सीधा ऊपर आ गए। जो वर्स्ट के सिनेरियो हमारा जो सबसे लास्ट सिनेरियो था 0.0714, अभी तक वो लेवल जरूर टेस्ट नहीं किया हम। एंड अगर मैं बात करूँ इस लाइन ऑफ सपोर्ट की तो भी वो भी लेवल काफी दूर है, लेकिन इस जगह पे बॉन्स एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये बॉन्स जो है हमें क्लियर कट 21 EMA के ऊपर लेके गया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम अगले दो तीन दिन 21 EMA के ऊपर मेंटेन कर जाते तो फिर इस लेवल को हम नहीं देखेंगे आने वाले डेज में, एंड यहीं से हमें फर्दर मूव देखने को मिल सकता है। एंड इसके चांसेस इसलिए ब्राइट हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जरूर अभी कंटिन्यूसली डिक्लिनेशन देखने को मिला, लेकिन 40 के लेवल से हमें बॉन्स देखने को मिला जो कि सीधा 50 के अबव लेके आ गया, रिट्रेस हो सकता है 49-50 के आसपास, एंड देन जो है फर्दर हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए बॉन्स दिखा सकते हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट अभी काफी अर्ली है, मैंने कहा यहाँ पे दो तीन दिन अगर 21 EMA के ऊपर रहता तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा इथेरियम के BTC चार्ट के लिए, दैट विल हेल्प ऑल्टकॉइन एज वेल। बट अभी डोमिनेंस चार्ट जिस लेवल पे है तो अभी यहाँ पे बहुत ही अर्ली होगा कहना। इथेरियम का USD चार्ट जरूर जो है कल के दिन हमें पॉजिटिव मूव दिया, डेफिनेटली BTC चार्ट पे हमें ग्रोथ मिला, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल किए इस लाइन के आसपास 2880 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिला जो कि एक्सपेक्टेड है। एंड मैंने आपको इस जगह पे कहा था कि ये बॉन्स हमें ले जा सकता है टुवर्ड्स 3000 या फिर $2900 की रेंज में, तो उस लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल RSI पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट जोन पे पिछले कई दिनों से देख रहे हैं मेंटेन करता हुआ लेवल, तो ये जब तक लेवल 21 EMA के ऊपर नहीं जाता तब तक वी कांट से कि अभी इमीडिएटली हम ऊपर जाने वाले हैं। बट मेरे हिसाब से इस जगह पे अगर हम जाते हैं 3000 के आसपास तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगा, एंड रेजिस्टेंस मिलने के बाद कहाँ पे सपोर्ट मिलता है वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो हमें हायर लो प्रोवाइड करेगा। अभी के लिए फिलहाल ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन सब कुछ अभी डिपेंड करता है बिटकॉइन पे, एंड बिटकॉइन जो है कुछ खास मूव नहीं दिखा है। आज जब से मॉर्निंग स्टार्ट हुआ तब से कोई वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, तो इवनिंग आवर में अगेन हमें वेट करना होगा वॉल्यूम के लिए, एंड उसके डायरेक्शन भी उसी हिसाब से तय होगा। तो अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी काफी अनफेवरेबल कंडीशन है ऑल्ट्स में भी, स्पेशली जब बिटकॉइन 40,000 के बिलो ट्रेड कर रहा है, 42,000 के बिलो ट्रेड कर रहा है, तो हमें इंतजार करना होगा अगर हमें बुलिश होना है ऑल्टकॉइन पे। ऑल्दो इंडिविजुअल ऑल्टकॉइन बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कई चार्ट पे, एंड वो अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो तो 4 आवर का स्ट्रैटेजी जो हमने 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ वो जरूर जाके चेक करो, एंड उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी मार्केट में कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है। एंड ज्यादा डिटेल के लिए गाइस आप academy.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब इस वीडियो में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था, इसके ऊपर कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर टेलीग्राम या ट्विटर पे दे देता हूँ, तो आप जरूर जो है उन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो चैनल को फॉर क्विक अपडेट्स। आज के लिए फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।